टाटा आईपीएल 2022 मैच नंबर 18 रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच घमासान मुकाबला। जी हां दोस्तों, दो ऐसी टीम है जो आईपीएल के मुकाबलों में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है, अपने बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, अपनी टीम में शामिल बड़े बड़े प्लेयर से। जहां एक तरफ टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के करंट कप्तान रोहित शर्मा हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के पूर्व कप्तान विराट कोहली मौजूद हैं। साथ ही साथ इस बार आरसीबी कप्तानी फैफ डु प्लेसिस कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल की वापसी तो सूर्य कुमार यादव की वापसी मुंबई इंडियंस ने पिछले मुकाबले में देखी थी, और इस मुकाबले में उनकी वापसी का एक और नमूना देखा उनके बल्ले से शानदार पारी के रूप में। तो बात करेंगे इस मुकाबले की फर्स्ट इनिंग की, किस तरीके से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज शुरुआत में तो फ्लॉप रहे, लेकिन लास्ट में सूर्य कुमार यादव अकेले दम पर मुकाबला पलटते नजर आए। लेकिन क्या गेंदबाजों में इतना दमखम है कि इस मैच को बचा लें? आज हमने देखा चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन की चौथी हार का सामना करवाया सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने, तो क्या मुंबई की भी हालत वही होगी कुछ देर पहले चल रहा। लेकिन बात करते हैं फर्स्ट इनिंग के हाईलाइट के बारे में, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच घमासान मुकाबला खेला जा रहा है एमसी क्रिकेट स्टेडियम पुणे के मैदान पर, लेकिन यानी कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर, जहां एक तरफ फैफ डु प्लेसिस कप्तान है तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा कप्तान है। आपको बताएं दोनों कप्तान जब टॉस के लिए इस खूबसूरत मैदान पर आए तो टॉस जीता यहां पर बैंगलोर की टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, एज यूजुअल हर कप्तान की तरह। तो आरसीबी की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, एक बड़ा बदलाव कर रखा था कि ग्लेन मैक्सवेल की यहां पर वापसी हुई टीम में और शरीफन रदरफोर्ड को बाहर बिठाया गया। फैफ डु प्लेसिस, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, डेविड विले, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, आकाश दीप और मोहम्मद सिराज हमें आरसीबी की प्लेइंग 11 में देखने को मिले। तो वहीं मुंबई इंडियंस की टीम की बात करें तो उन्होंने डैनियल सैम्स और साथ ही साथ टाइमल मिल्स को बाहर बैठा दिया। पिछले मुकाबले में डैनियल सैम्स की जो मार पड़ी थी उसके बाद तो मुंबई शायद इनको खिलाना पसंद करे। अब बात करें यहां पर किस तरीके से मुंबई इंडियंस की जो प्लेइंग 11 निकलकर सामने आई वो थी रोहित शर्मा, ईशान किशन, ड्यूएल ब्रेवियस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, किरण पोलार्ड, रमनदीप सिंह, मुर्गन अश्विन, जयदेव उनाडकट, जसप्रीत बुमराह और बासिल थम्पी हमें देखने को मिले। यानी कि रमनदीप सिंह एक नए खिलाड़ी जुड़ते नजर आए टीम से और बाकी जयदेव उनाडकट को मौका मिला यहां पर। आज देखते हैं कि भारतीय तेज गेंदबाज मौके का फायदा उठा पाता है या नहीं। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 151 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस सीजन वैसे दोस्तों देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल के मामले में बहुत ही बेहतरीन शुरुआती कुछ वो टीमें चल रही हैं जो पिछले सीजन तक काफ़ी गुमनाम थी लेकिन इस बार काफ़ी चर्चाओं में है। जैसे बात करें इस बार राजस्थान हो गई, पंजाब हो गई, साथ ही साथ यहां पर कोलकाता नाइट राइडर तो पिछले फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन मुंबई चेन्नई की जो हालत है वो बहुत बुरी है। मुंबई तो एकदम लास्ट में नजर आ रही है। बात करें इस मुकाबले में भी तो जिस तरीके से इनकी बल्लेबाजी रही मिडिल ऑर्डर की वजह से वो साफ जता दिया कि क्यों ये लास्ट में नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न आपको बताते हैं तो पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 151 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। ईशान किशन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर थी और पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ऐसा नहीं था कि पावर प्ले खराब रहा या शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर 50 रन बनाए यहां पर करीब करीब सातवें ओवर की दूसरी गेंद, यानी कि 38 गेंदों में 50 रन शुरुआत मुंबई इंडियंस की टीम बनाकर खेल रही थी, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा 15 गेंदों में 26 रन, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाकर खेल रहे थे, 15 बॉल में 26 रन। लेकिन हर्षल पटेल से तो आप सब वाकिफ हैं ही, जैसे पावर प्ले खत्म हुआ वैसे कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने हर्षल पटेल को अपने काम पर लगाया, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी इतने खतरनाक है कि एक बार इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जम जाए तो ये 100 से बड़े ओपनिंग पार्टनरशिप आराम से यूं चुटकी बजाते दे सकते हैं। तो रोहित शर्मा ने भी यहां पर बड़ी अच्छी पारी खेले थे लेकिन हर्षल पटेल का शिकार हुए सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर और कैच पकड़ी यहां पर खुद हर्षल पटेल ने। वो मोमेंट था दोस्तों एक जब रोहित शर्मा वापस जा रहे थे पवेलियन 173 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तब आते हैं मैदान पर बेबी एबी के नाम से मशहूर ज्वेल ब्रेव। जी हां दोस्तों, ड्वेल ब्रेविस पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी इस खिलाड़ी ने, लेकिन इस मुकाबले में फ्लॉप रहे। ईशान किशन दूसरे छोर पर बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन ड्वेल ब्रेविस 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट होते हैं जब टीम का स्कोर 60 रन यानी कि 60 रन पर पहुंच जाता है। ड्वेल ब्रेविस वानिंदु हसरंगा की गेंद पर 11 गेंदों में 8 रन बनाकर यानी कि 11 बॉल में 8 रन बनाकर आउट होते हैं। एक चौका लगाते हैं, छक्का लगा नहीं पाते क्योंकि मौका देती नहीं आरसीबी की टीम। वानिंदु हसरंगा इनको एलबीडब्ल्यू करके चलता कर देते हैं। तो 2 विकेट 60 रन तक गिर चुके थे, बचे थे यहाँ से करीब करीब 11 ओवर, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि यहाँ से असली गेंदबाजी शुरू होती है और वो ओवर होता है दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आकाश दीप का।
जी हाँ दोस्तों, आकाशदीप का जो वो ओवर होता है ना, वो मुकाबला पलट के रख देता है, क्योंकि विकेट प्लस मैड इन ओवर होता है। और उसी ओवर में हम देखते हैं कि एक रन आउट भी होता है तिलक वर्मा के रूप में, और बेहतरीन रन आउट होता है ये। आपको बता दें दोस्तों, किस तरीके से रोहित शर्मा और जो ईशान किशन थे उनकी बहुत बेहतरीन ओपनिंग थी, लेकिन इसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर ज़्यादा संभाल नहीं पाया। तिलक वर्मा 3 गेंदों में बिना खाता खोले लौट गए थे, और उससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से आकाशदीप जो 28 गेंदों में 26 रन बनाकर खेले थे, ईशान किशन 3 चौके की मदद से, वो भी पवेलियन वापस चले गए थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ज्यादा बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं ईशान किशन, लेकिन आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। सिराज ने आसान सा कैच पकड़ा, आकाशदीप के नाम रहा विकेट, और उसी ओवर में यानी कि जो ओवर था 10वां ओवर, उसकी दूसरी गेंद पर ईशान किशन आउट हुए, तो 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर 62 रन पर ही टीम का एक और विकेट गिरता है, तिलक वर्मा के रूप में रन आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा वैसे तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक सीजन में, लेकिन यह रन आउट काफी महंगा पड़ता है। सूर्य कुमार यादव दूसरे छोर पर आ चुके थे ज्वेल ब्रेविस के आउट होने के बाद, लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव अब अकेले पड़ चुके थे, क्योंकि उसका अगला ओवर जो 11वें ओवर की पहली गेंद रहती है, किरण पोलार्ड का विकेट, वहां पर वानिंदु हसरंगा चटका देते हैं और वो विकेट मिलता है LBW के रूप में। तो बिना खाता खोले किरण पोलार्ड पवेलियन वापस जाते हुए, ये बहुत ही ज़्यादा निराशा भरा पल था जब 62 रन यानी 62 रन पर टीम के 3 विकेट गिर गए। उसके बाद 79 रन पर आता है रमनदीप सिंह का विकेट, जो कि अपने आप को सेट होने का पूरा मौका दे रहा था। ये खिलाड़ी का ये पहला मैच था अगर IPL में देखा जाए, 6 ही रन बना पाया 12 गेंदों में, और पवेलियन वापस भेज दिया हर्षल पटेल ने। कैच पकड़ी थी विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने, तो ये मतलब एक तरीके से जो छठा झटका था, उसके बाद टीम उभर पाने में बहुत समय ले रही थी, लेकिन फिर उसके बाद आता है तूफान सूर्य कुमार यादव का। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की वापसी से टीम मुंबई इंडियंस मिडिल ऑर्डर के दम पर बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन ओपनिंग और जो फिनिशिंग की भूमिका रह रही है वो इस समय सूर्य कुमार यादव को ही अदा करनी पड़ रही है। सूर्य कुमार यादव और जयदेव उनादकट ने मिलकर दोस्तों आज अच्छी पार्टनरशिप करी, 72 रनों की 72 रन की पार्टनरशिप। जब 79 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद 151 तक स्कोर लेकर गए सूर्य कुमार यादव। 7वें ओवर की दूसरी गेंद तक दोस्तों यहां पर रमनदीप सिंह का विकेट गिरा था, यानी कि 13वें ओवर की दूसरी गेंद तक, 14वें ओवर की दूसरी गेंद तक, लेकिन उसके बाद बचा जो लास्ट के 6 ओवर थे उसमें पूरा इस्तेमाल किया सूर्य कुमार यादव ने अपने सारे बैटिंग स्किल्स का। 37 बॉल में 68 रन नाबाद बनाए, 5 चौके, 6 बड़े ही लंबे छक्के की बदौलत, और एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके गए। वरना सूर्य कुमार यादव के बाद तो कोई बल्लेबाज बचा नहीं था, जयदेव उनादकट, जसप्रीत बुमराह, और उसके बाद मतलब सब गेंदबाजी थे टैलेंटर। तो सूर्य कुमार यादव ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करी 183 के स्ट्राइक रेट से, 37 बॉल में 68 रन, 5 चौके, 6 छक्कों की बदौलत से मारे, और जयदेव उनादकट ने भी 14 गेंदों में 13 रन बनाया। गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाई हर्षल पटेल ने, 2 विकेट वानिंदु हसरंगा ने, 1 विकेट आकाशदीप ने, लेकिन मोहम्मद सिराज का जो ओवर था 1900 वो बहुत महंगा रहा, 23 रन थे उसमें, 4 ओवर में 51 रन दिए थे हर्षल पटेल ने। अब टीम मुंबई को डिफेंड करना है 152 और RCB को चेस करना है 152 इन 120 बॉल में। देखते हैं कैसे विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस ग्लेन मैक्सवेल की 3 की तगड़ी रोहित की पलटन को मात देने में कामयाब रहती है या नहीं, या जयदेव उनादकट की वापसी टीम मुंबई के लिए काफी रहेगी। तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है, RCB की टीम पर सबकी निगाहें हैं, इस सीजन क्या ट्रॉफी जीत पाएगी और क्या मुंबई वापसी कर पाएगी, इस सवाल के साथ करते वीडियो का अंत। और अब चेस की बारी है, यह था फर्स्ट इनिंग का हाईलाइट, उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। और एक ग्लेन मैक्सवेल का रनआउट बहुत खूबसूरत था दोस्तों, जो वो किया था तिलक वर्मा को, उसकी तारीफ जितनी करें वो कम है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।